स्थानीय विवाह भवन 0 Mile NH 31 नवगछिया। शादी विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारे। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठ कर ले आनंद। ग्लास मिरर वार ताकि अंदर से ले बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632, 9534316464, 8406949533। नवगछिया का सबसे सस्ता सबसे अच्छा विवाह भवन। बोले जदयू विधायक गोपाल मंडल, कोई भी हमसे बड़ा लाठीबाज नहीं, अगर हम लाठी चलाने लगेंगे तो कईयों को झाड़ देंगे, रिवॉल्वर मेरे पास रहता है, जरूरत पड़ा तो ठोक देंगे। गोपालपुर के विधायक नरेंद्र कुमार नीरज ने कहा कि गोपाल मंडल को कोई बंधक नहीं बना सकता है, जो बंधक बन गया वह तो वहीं पर मर गया। हमारा एक और तरीका है, अगर कोई आफत आएगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। बांका के बौसी में जमीन विवाद को लेकर वहां के स्थानीय ग्रामीण और विधायक के बीच हुई नोकझोंक की पूरी कहानी का जिक्र करते हुए श्री मंडल ने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा कि वहां कोई भी हमसे बड़ा लाठीबाज नहीं था, अगर हम लाठी चलाने लगेंगे तो कईयों को हम झाड़ देंगे, हम तो लड़ाकू आदमी है ही, फिर रिवॉल्वर मेरे पास रहता है ना, जरूरत पड़ा तो ठोक देंगे। विधायक ने पूरी कहानी का जिक्र करते हुए कहा कि करीब 9 महीने पहले उन्होंने एक स्कूल बनाने के लिए जमीन खरीदी थी। जिस वक्त उन्होंने जमीन खरीदी थी उस समय पूरी तरह से खाली था, बीच में कोरोना काल आ गया, चुनाव आ गया और चुनाव के बाद वे मंत्री बनने पटना चले गए। पिछले दिनों कई लोग उनको कह रहे थे कि उनकी जमीन पर कई लोगों ने कब्जा कर लिया है, वही देखने के लिए वहां पर गए थे, लेकिन पूरे 25 बीघा जमीन पर प्लॉटिंग करके मकान बना लिया है और किसी ने पक्का मकान बना लिया तो किसी ने 4 दीवारी देकर छोड़ दिया। गोपाल मंडल ने कहा कि जैसे ही उनकी गाड़ी वहां पर लगी तो कुछ लोग लाठी लेकर उनकी तरफ दौड़ गए। जब पूछा गया कि आप लोग कौन हैं, मेरे जमीन पर घर क्यों बना रहे हैं, तो वहां के लोगों ने कहा कि आप कौन हैं और यहां क्यों आए हैं। श्री मंडल ने कहा कि मैंने अपना परिचय दिया। इसके बाद वहां के लोगों ने पूछा कि आप तो हथियार के साथ क्यों आए हैं। उन्होंने इस संदर्भ में देवघर में हुई एक स्कूल के डायरेक्टर की हत्या की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि हमको मरना नहीं है, इसलिए हम लोग पूरी व्यवस्था के साथ चलते हैं। घटना हुई थी जमीन वाले में, क्या मामला है सर, सच्चाई उसमें क्या है? मामला कुछ नहीं है, वहाँ पर स्कूल खोलने के उद्देश्य हम 25 बीघा जमीन लिए थे, जिस टाइम में लिए थे पर्ची था, कहीं कोई विरोध नहीं किया, प्लॉट देखे, सब कुछ देखे, जमीन लिखवा लिए। उसके बाद कोरोना काल आ गया, कोरोना में लिखाए थे तो कोरोना काल में स्थिर हो गए। उसके बाद फिर चुनाव आ गई, चुनाव के बाद मंत्री बने गए, लेकिन जो जमीन लिखे तो उन्होंने बोल रहा था कि वहाँ मकान बन रहा है, हमसे पूछ तो उसका बनता होगा, जाएंगे हम रहने दो, मकान हमारा ही बन रहा है, तो तंग कर दिया। तब हम गए, यहाँ से गए तो 2500 बीघा में एक तरफ से प्लॉटिंग करके मकान बना लिया, कोई बाउंड्री वाल दे दिया, ये सब ये देखने के लिए। जैसे हम गए ना तो गाड़ी लगाए हैं तो सर लाठी लेके दौड़ा, हमने कौन है तुम दे तुम लोग, तो बोला कि आप कौन है, हम लिए मिले गोपाल कहाँ आए, कहिए हमारे ज़मीन पर आप लोग घर बना पिया है, हाँ हमें बनाया, हमारा जमीन है, अच्छा आप ही का जमीन है, हम देखने के लायक, हम देख लिए कि घर बन गया है, तो घर बात तोड़ेंगे नहीं है, पक्के का मकान बना है ना, अब तो हम कोर्ट के माध्यम से आएंगे, अभी क्या करना है, हम यही देखने के लायक थे और क्या। तो राइफल बंदूक के लिए हमारा तौर तरीका है, बिरगदर सिंह मारा गया, वो बांका के स्कूल के जो डायरेक्टर थे वो गए अकेले वहाँ पर, कहने के मतलब देवघर जमीन देखने के लिए, वहाँ की आदिवासी ने डेंगा के मारा, हम मरना नहीं चाहते हैं इसलिए तैयारी के साथ चलते हैं, अगर कोई आफत आएगा तो छोड़ेंगे हम नहीं, हमारा ये तौर तरीका है, ये लाइसेंस है नहीं, चोर का है, चोर का है तो तुम कौन है, DM है कि गवर्नर है, हमारा जांच करोगे? तो फिर हम नहीं है माना, हल्ला कर रहा था कुछ से कुछ, लाठी भांजे भांजे, हमारा भी समर्थक था, धक्कम धुक्की ये सब कर रहे थे, हटो हटो हटो, कुर्सियाँ लाओ बैठाएंगे, करके कुर्सी तो दे दी आपको, अब कुर्सी कहाँ है, नहीं है नहीं है, जो बोलना हो बोला, हम तब लगा दिए दरोगा को, तो दरोगा ने छोटा मोटा पुलिस को, एक तो पासवान जाति से था, अच्छा ठो लेडीज को भेज दिया, तो उसका कोई गिनती है वो लोग नहीं दिया, हमने देख रहे हैं दारू पी के कैसे कैसे कर रहा है, कुछ तो कीजिए। तब DSP को लगाया, DSP बोला हम अच्छे फोर्स को भेज रहे हैं, दारू पिया हम तो घेरेंगे पकड़ना, लेकिन बहुत टाइम लग गया, हम सोचे और मामला बिगड़ जाएगा, अंधार हो जाएगा, तब किसी तरह उसके बाद एक प्रमुख आए, वहाँ के हारे हुए प्रमुख जीते हुए बुजुर्ग आदमी थे, उन्होंने बोला क्या है विधायक जी, हमने
ए तो शांत रहो हम चलते हम चलते उसका भी गिनती नहीं दिया। उसके बाद आगे एक तो जदयू के जिला उपाध्यक्ष यादव जी कोई थे वो आए, विधायक जी आप यहाँ मिले, आप जदयू के जिला उपाध्यक्ष हैं, क्या बात है? तो हम आपका नाम सुने तो आ गए, क्या बात है? नशे से आए थे वो देखने के लिए, ये तो घेरा घेरी कर रहा है भाई, बड़ा मुश्किल लगता है, कुछ करना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं, ए तुम लोग स्थिर हो जाए, क्या कि जाना चाहे जान चाहे हम लोग जाएंगे नहीं तो क्या करेंगे? हम सिर्फ देखने के लिए आए थे, बाकी कोई बात नहीं। बंधक बनाने की वाली जो बात आ रही है वो क्या सही है? अरे भाई ये घंटा डिस्टर्ब किया, बंधक का एक जोक है, अब गोपाल में कहीं बंधक में जाता है, बंधक बन गया तो उसी टाइम मर गया। अरे हथियार अगर या जो आपके साथ नहीं रहता तो कुछ बड़ी घटना हो सकती थी? घटना नहीं होती, दोनों तरफ से मार पीट होता, हमसे ज़्यादा लाठीबाज नहीं था बनिया बैताल साहब, हमरे सामने हम टिकेगा, एक बार लाठी पकड़ लेंगे ना फिर कितने आदमी को हम झाँट देंगे, लड़ाकू आदमी तो हम हैं, अब फिर हमारे पास तो रिवॉल्वर रहता है ना, हर वक्त जरूरत पड़ा ठोक देंगे। और कल आपके पास बॉडीगार्ड हो चाहे ये सब नहीं रहता तो कोई घटना होने का आशंका जा? अब वो तो क्या कहा जाए, कुदरत, हाँ नहीं नहीं कुदरत नहीं, ये क्या कहा जाए उसको, वो तो अलग बात है ना, क्या होता नहीं होता, हो सकता कोई नहीं रहता, आक्रोश में हम ही मार देते हैं। अब फिर उन लोगों का इलाका था, गांव था, हम दूर से गए। कब लिए थे सर जमीन? जमीन लिए थे 9 महीना हो गया करीब, इसी बीच में एकदम रफ्तार में वो लोग एक ही टाइप का ईटा एक ही साइज का मकान लगा, एक ही मिस्त्री ने बना लिया। कितना मकान बना रहे हो? 2500 बीघा में बना लिया, कहीं बाउंड्री वाल कर दिया, कहीं कुछ पड़ती रहा ही नहीं। आप उसमें क्या करना चाहते थे? स्कूल बनाना चाहते थे। अब आपका क्या उसमें? उसमें कुछ आप स्तर प्रशासन स्तर से कुछ पाल किया? हाँ प्रशासन स्तर से, एसपी हमारी मदद में है, अब सिस्टम से जाएंगे ना, वो खाली वो लोग कराएगा, हम स्पष्ट कर दिए 24 तारीख को विधानसभा खत्म होने वाली है भाई, उसके बाद हम आएंगे 25 या 26 को आएंगे, हम का पेपर लेके, आप लोग पेपर लेके रहिएगा, फ़ोन कर देंगे, आप लोग फ़ोन नंबर लिए हैं, अगर हमारा ज़मीन निकला तो बोल्डेजर लेके तोड़ देंगे, तोड़ दीजिए, हम तोड़ देंगे, आदमी को तोड़ देंगे तो इस वाला ज़मीन क्या है, तो ये तो हमारा है, करिए पेपरे ने बताएगा किसका है, अगर आप लोगों का होगा तो हाथ जोड़ के हम चले जाएंगे, हमको ज़मीन नहीं चाहिए, यही बोले। इसका लिखित कल जो घटना उसके बारे में कहीं सूचना दिए हैं सर? हम आप ही लोग सूचना ले रहे हैं, हम लिखित क्या देंगे? अरे हम नेता आदमी हैं, हम पब्लिक है, हमारा लोग है, तो उस पर लिखित क्या करेंगे? हम यही कहते हैं अपहरण बना लिया, इस पर मानहानि का मुकदमा चलना चाहिए, ये तो कमजोर आदमी करता है, बरियार आदमी नहीं करता। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भागलपुर रेलवे स्टेशन की कमान महिलाओं के हाथों। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भागलपुर स्टेशन की फिजा ही बदली हुई दिख रही थी, पूरे स्टेशन को महिला कर्मचारी ही नियंत्रित करते दिख रही थी। ट्रेन चलाने को लेकर सिग्नल क्लियर करने की जिम्मेवारी हो या फिर काउंटर पर टिकट काटने, महिला कर्मचारी से बखूबी अंजाम दे रहे थे, साथ ही सुरक्षा का कमान भी महिलाओं के हाथ में ही। रेलवे प्रशासन ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन सौंपा था स्टेशन मास्टर का कमान संभालने वाली सोनाली ट्रेनों के परिचालन को लेकर सजग दिखी, तो वहीं श्वेता भारती केबिन में सिग्नल क्लियर करने की भूमिका बखूबी अंजाम दे रही थी। टिकट काउंटर पर कंचन कुमारी, पुनीता, रूबी, चंदा टिकट काटती दिख रही थी। वहीं ट्रैक मेंटेनेंस की जिम्मेवारी रूबी कुमारी, नैना कुमारी और गीता कुमारी निभा रही थी। सुरक्षा का कमान आरपीएफ ने जहां एसआई कोयल स्मृति के हाथों में सौंपा था, वहीं जीआरपी में एसआई शकुंतला इसकू थाने का संचालन करते दिखी, जबकि स्वास्थ्य व्यवस्था रेलवे हेल्थ यूनिट के मेट्रोन आरती चौरसिया देख रही थी। इस दौरान रेलवे के महिला कर्मचारी ने लोगों से महिलाओं का सम्मान सभी दिन करने की बात कही। वहीं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भागलपुर में रेलवे की अनूठी पहल पर उत्साहित महिला कर्मचारियों ने अपने अलग अलग विचार दिए। बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि मैं रेलवे में काम कर रही हूँ और सबको ऐसा कहना चाहती हूँ कि जितने भी महिलाएं हैं कुछ भी कर सकती हैं, कोई भी काम कठिन नहीं है, कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी विभाग, हर विभाग में काम कर सकते हैं। महिलाओं की भागीदारी से मैम कितना काम आसान हो जाता है किसी भी क्षेत्र में? ऐसा नहीं है, महिलाएं और पुरुष दोनों का भागीदारी बराबर है, आसान क्या, दोनों मिलके काम करेंगे तो आसान है। क्या चाहते हैं कि क्या होना चाहिए कि सब दिन, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, केवल आज ही के दिन ये खाना पूर्ति ना होकर सब दिन लोग महिलाओं का सम्मान करें, इसको लेकर क्या अपील करना चाहते हैं?
महिला आयोग का सम्मान सिर्फ आज नहीं सब दिन होना चाहिए। इससे क्या है, हमारा देश आगे बढ़ेगा और सब लोग काम से पीछे नहीं भागेंगे, अच्छे से काम करेंगे। सम्मान एक दिन का नहीं सब दिन होना चाहिए। भागलपुर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर छात्राओं के लिए छात्रावास का किया गया लोकार्पण। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा विद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं की सुविधा के लिए महिला छात्रावास का लोकार्पण किया गया। महिला छात्रावास का विधिवत उद्घाटन कुलपति नीलिमा गुप्ता, प्रतिकुलपति रमेश कुमार और भागलपुर की पूर्व उप महापौर डॉक्टर प्रीति शेखर ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान कुलपति नीलिमा गुप्ता ने यहां के आधुनिक व्यवस्थाओं, सुविधाओं और सुरक्षा के बेहतर इंतजाम के साथ महिला छात्रावास का उद्घाटन किया। The loving non-teaching staff who is present here, the media persons, and above all, the voracious speaker who we just heard, Preeti Ji, who I see is dedicated to the welfare of this university. A very, very happy International Women's Day to all women who are present here. All flowers which were presented to me just now, these garlands, bouquets, flowers, I dedicate all these to the women folk on the International Women's Day. क्या देखा सर मैडम आपने? मैंने यहाँ छात्रावास, ये पांचवा महिला छात्रावास है जिसका आज लोकार्पण किया गया है और मुझे बहुत खुशी है कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम अपनी बच्चियों के लिए एक हम लोगों ने सुविधा इन लोगों को और यहाँ पर दी है। और इसको जैसा मैंने वार्डन से और DSW से बात की है, हम कॉट्स यहाँ पर आ गए हैं और जल्दी ही हम और सुविधाएँ यहाँ पर देकर बच्चियों को यहाँ पर कम्फर्टेबल बनाएंगे। छात्रावासों में सर मैडम ने उन्हें सुविधाओं को लेकर के छात्राएं बार बार विश्वविद्यालय की चक्कर लगा रही हैं, क्या उनसे से आज छुटकारा मिलेगी? पूरा प्रयास रहेगा, क्यों नहीं मिलेगा। हम लोग अगर बच्चों को सब सुविधाएं देंगे तो बच्चे भी प्रसन्न ही रहेंगे। हम लोग विश्वविद्यालय की तरफ से उनको, मैंने अपनी स्पीच में भी यही कहा कि हमको, हम उन लोगों को पूरी सुविधाएँ देने का प्रयास करेंगे। क्या देखा सर मैडम आपने? मैंने यहाँ छात्रावास, ये पांचवा महिला छात्रावास है जिसका आज लोकार्पण किया गया है और मुझे बहुत खुशी है कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम अपनी बच्चियों के लिए एक हम लोगों ने सुविधा इन लोगों को और यहाँ पर दी है। और इसको जैसा मैंने वार्डन से और DSW से बात की है, हम कॉट्स यहाँ पर आ गए हैं और जल्दी ही हम और सुविधाएँ यहाँ पर देकर बच्चियों को यहाँ पर कम्फर्टेबल बनाएंगे। छात्रावासों में सर मैडम ने उन्हें सुविधाओं को लेकर के छात्राएं बार बार विश्वविद्यालय की चक्कर लगा रही हैं, क्या उनसे से आज छुटकारा मिलेगी? पूरा प्रयास रहेगा, क्यों नहीं मिलेगा। हम लोग अगर बच्चों को सब सुविधाएं देंगे तो बच्चे भी प्रसन्न ही रहेंगे। हम लोग विश्वविद्यालय की तरफ से उनको, मैंने अपनी स्पीच में भी यही कहा कि हमको, हम उन लोगों को पूरी सुविधाएँ देने का प्रयास करेंगे। सुंदरम अहुना मटन, बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉन वेज टेस्ट, अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में। हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन, नवगछिया, स्टेशन चौक, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारे। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। भागलपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, मिनी गन फैक्ट्री का किया उद्भेदन। भागलपुर के सबौर पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब उसने अवैध मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन करते हुए भारी मात्रा में अनिर्मित हथियार के साथ एक हथियार तस्कर को धर दबोचा। भागलपुर के सीनियर SP नितेशा गुड़िया ने सबौर थाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी, सबौर के रजंदीपुर गांव में हथियार तस्कर के द्वारा अवैध हथियार का निर्माण कराया जा रहा है। इसके बाद सबौर थाना अध्यक्ष सुनील कुमार झा के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन कर मामले के उद्भेदन किया गया। विशेष टीम में छापेमारी कर 2 देसी मॉस्केट, 4 पिस्तौल, खोखा, मिस फायर कारतूस, अर्धनिर्मित देसी कट्टा और बड़ी मात्रा में हथियार बनाने वाले उपकरण के साथ हथियार तस्कर जयराम मंडल को भी धर दबोचा है। हो गया?
गुप्त सूचना के आधार पे कल से ही एक विशेष अभियान सबौर थाना क्षेत्र के दियर के इलाके में चलाया गया था। पूरे दिन के अभियान के उपरांत जो है कल रात्रि में ये सूचना मिली कि एक मिनी गन फैक्ट्री जो है वहां पे हथियारों का निर्माण किया जा रहा है। उसी गुप्त सूचना में वहां पे हम लोगों के द्वारा जो है रेड किया गया और मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया और साथ में जो व्यक्ति बनाते हैं उनकी भी गिरफ्तारी इसमें की गई। कहां पर ऐसा चल रहा है ये घटना स्थल ये बता दिया ये दियर का इलाका है सबौर थाना क्षेत्र का। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नवगछिया पीएससी में कोरोना टीकाकरण का शुभारंभ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर नवगछिया पीएससी में कोरोना वैक्सीन टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। टीकाकरण कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन नवगछिया के प्रशिक्षु डीएसपी वसंती टुड्डू एवं नवगछिया नगर पंचायत अध्यक्ष प्रीति कुमारी ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे नवगछिया पीएससी प्रभारी डॉक्टर वरुण कुमार ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कोरोना का टीका लगवा रही महिलाओं को समर्पित किया गया है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को महिला नेतृत्व कोविड-19 की दुनिया में एक समान भविष्य को प्राप्त करना है की थीम पर मनाया जा रहा है ताकि महिलाओं का सम्मान पूर्वक टीकाकरण कराया जा सके। कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था, मीट मुर्गा मछली अंडा सहित सादा भोजन रोटी चावल पनीर तड़का दही कोल्ड ड्रिंक ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। नवगछिया निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का किया गया आयोजन। नवगछिया अनुमंडल के बीजी हेल्थ केयर एंड एजुकेशन सेंटर भारती निवास राजेंद्र कॉलोनी में बाबा गणिनाथ सेवा समिति के पूर्व सचिव स्वर्गीय विष्णु गुप्ता के याद में बाबा गणिनाथ सेवा समिति के तत्वाधान में इन्फो आयुर्वेदिक मिशन के तहत निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच शिविर लगाया गया। शिविर का शुभारंभ स्वर्गीय विष्णु गुप्ता के तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर किया गया एवं 2 मिनट मौन धारण कर श्रद्धांजलि दिया गया। मौके पर इन्फो आयुर्वेदिक मिशन लखनऊ के निर्देशक विनय कुमार मधेसिया, कानू हलवाई सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष परितोष गुप्ता, खेल संघ के घनश्याम प्रसाद, जेम्स फाइटर, बाबा गणिनाथ सेवा समिति के अध्यक्ष पंकज कुमार भारती, संरक्षक चंद्रगुप्त शाह, शंकर शाह, उपाध्यक्ष अशोक गुप्ता, अरविंद शाह, नीरज कुमार, धर्मेंद्र कुमार, डॉक्टर दीपक कुमार, सौगंध शाह, पवन प्रिंस भारती सहित कई अन्य ने तैलचित्र पर पुष्प अर्पित किया। वहीं स्वास्थ्य शिविर में अम्बाला से आये सुप्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर कृष्णा भारद्वाज एवं लखनऊ की डॉक्टर पूनम यादव ने शिविर में सैकड़ों की संख्या में आए मरीजों का जांच कर निःशुल्क परामर्श दिया। नवगछिया मामला प्रसाद खाने के बाद बीमार पड़ने का नगरम स्थिति सामान्य। नवगछिया के नगर में प्रसाद खाने के बाद बीमार पड़े 50 से अधिक लोगों की स्थिति अब पूरी तरह से सामान्य है। रविवार तक बीमार चल रही नीलू सिंह की भी स्थिति अब सामान्य है। नीलू सिंह के पति सरपंच शंभू सिंह ने कहा कि जितने भी लोग प्रसाद खाने के बाद बीमार पड़े थे अब उनकी स्थिति सामान्य है, सभी अपना अपना काम करने लगे हैं। इधर नवगछिया पीएससी के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर वरुण ने कहा कि सबों की स्थिति सामान्य है, हालांकि वे गाँव पर नजर बनाए हुए हैं। 10वीं-12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। एमएस कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। बीए, बीटेक, बीसीए, बीबीए, पॉलिटेक्निक मिले नामांकन। आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mswtbihar.com पर। नवगछिया सामाजिक विज्ञान विषय की परीक्षा कदाचार मुक्त संपन्न। मैट्रिक परीक्षा में रद्द किए गए सामाजिक विज्ञान विषय की परीक्षा सोमवार को नवगछिया के सभी 9 परीक्षा केंद्र पर शांतिपूर्ण माहौल में कदाचार मुक्त संपन्न हुआ। परीक्षा में 4198 में 4023 ने परीक्षा दी, 75 अनुपस्थित रहे। बताते चलें कि मैट्रिक परीक्षा को लेकर सभी केंद्र पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। परीक्षा केंद्र पर दंडाधिकारी के साथ पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। नवगछिया अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि नवगछिया के सभी केंद्रों पर कदाचार मुक्त एवं शांतिपूर्ण माहौल में परीक्षा सम्पन्न हो गयी है।
नवगछिया के जदयू कार्यालय में मना अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। नवगछिया जदयू कार्यालय नवगछिया में महिला प्रकोष्ठ की प्रखंड अध्यक्ष पिंकी देवी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जदयू जिलाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सिंह कुशवाहा थे। कार्यक्रम का संचालन मीडिया सेल जिला संयोजक प्रिंस पटेल ने किया। वहीं मौके पर माला देवी, फूलो देवी, लाली देवी, कारी देवी, जूली देवी, सुभद्रा देवी, श्यामवती देवी, गौरी देवी, सुनीता देवी, सहिता देवी, सुनेना देवी, नवगछिया प्रखंड अध्यक्ष मुरारी मंडल, प्रभाकर निषाद, वकील पासवान सहित कई अन्य मौजूद थे। खुल गया आवासीय स्कूल ऑफ एक्सलेंस फुलडोभी गेराबाड़ी कटिहार नियर वासंतिक नवरात्र मंदिर राजपूत मंदिर। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित 25 दिसंबर से नामांकन प्रारंभ है। कक्षा प्री नर्सरी से 8वीं तक रहने खाने पढ़ने सहित कंप्यूटर एवं अंग्रेजी स्पोकन की विशेष व्यवस्था। संपर्क करें रणवीर कुमार झा 8051550121 एके झा 9472833513। 10वीं-12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। BA, BTech, BCA, BBA पॉलिटेक्निक में ले नामांकन। आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mswtbihar.com पर। कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था। मीट, मुर्गा, मछली, अंडा सहित सादा भोजन, रोटी, चावल, पनीर, तड़का, दही, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। सुंदरम अहुना मटन, बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉन वेज टेस्ट। अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन नवगछिया, स्टेशन चौक, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारे। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। वाणी विवाह भवन 0 mile NH 31 नवगछिया। शादी विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारें। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठ कर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल ताकि अंदर से लें बाहर की खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632 9534316464 8406949533। नवगछिया का सबसे सस्ता, सबसे अच्छा विवाह भवन।